हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती वालिया और आज जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं वो है कंप्यूटर की एक्टिविटी। क्लास फिफ्थ और सिक्स दोनों में ही ये चैप्टर होता है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। क्लास फिफ्थ में भी ये चैप्टर होता है और क्लास सिक्स में भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी वन है, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट सिम्बल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी जो स्पेस है उसमें हमने इन सिम्बल्स के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल है हमारा। सेकंड है इनपुट आउटपुट सिंबल। थर्ड है हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स। फोर्थ है डिसीजन बॉक्स। उसके बाद फिफ्थ है हमारी फ्लो लाइंस। और लास्ट सिक्स है कनेक्टर, जो फ्लो लाइंस को कनेक्ट करता है। उसके बाद एक्टिविटी टू जो है वो है मैच द फॉलोइंग, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है ये हमें बतानी है मैच करके। फर्स्ट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे हम वन लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, यानी जो हम जो पिक्चर्स वगैरह जो हम ग्राफिक बनाते हैं, सिंबल्स बनाते हैं, वो होता है हमारा फ्लो चार्ट। उसके बाद थर्ड है हमारा काउंटर। काउंटर क्या होता है? काउंटर हमारा होता है फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हम थ्री से इसको मैच करेंगे, आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं। फोर्थ होता है लूपिंग। लूपिंग क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ अ प्रोसेस। जैसे कि अब हमारा रिजल्ट अगर सही से नहीं आता है, आंसर सही से नहीं आता, तो हमें दोबारा से ही फिर से सेम प्रोसेसिंग देनी पड़ती है, फिर से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, इनपुट देंगे दोबारा से। तो ये बार बार जब तक रिजल्ट ना आए, हमारा आंसर आउटपुट ना आए, तब तक हमें बार बार से ही इंस्ट्रक्शन को देनी पड़ती है, बार बार से इनपुट देना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं लूपिंग, रिपीटिशन ऑफ प्रोसेस। ये हमारा हो गया फोर। और लास्ट है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी थ्री है, आइडेंटिफाई द फ्लो चार्ट सिंबल बाय रीडिंग इट्स यूज एंड राइट इट्स नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। फर्स्ट क्या है? दिस सिंबल इज यूज टू डिस्प्ले द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। क्वेश्चन में ही पता चल रहा है जो बिगनिंग और एंड में यूज होता है उसको हम बोलते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। सेकंड है इट शोज द इंस्ट्रक्शन एज इनपुट एंड रिजल्ट एज आउटपुट। नाम से पता चल रहा है इनपुट एंड आउटपुट, तो इसका भी आंसर जो है क्वेश्चन में ही है, इनपुट आउटपुट सिंबल्स होते हैं ये। नेक्स्ट है दिस सिंबल हेल्प्स टू चेक द कंडीशन। कंडीशन चेक करने के लिए हमारा यूज होता है डिसीजन बॉक्स। नेक्स्ट है फोर्थ, दिस सिंबल helps to indicate the flow of data in the flow chart. indicate the flow of data यानी कि हमारी हो गई
फ्लो लाइंस। और लास्ट है हमारा, दिस सिंबल हेल्प्स टू जॉइन द पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर, यानी जो ये फ्लो लाइंस हैं, ये जिससे आपस में कनेक्ट होती है, जॉइंट होती है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टर सिंबल। होप आपको ये एक्टिविटीज पसंद आई होंगी क्लास 5th और 6th के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।